एवरीवन, मैं हूं ज्योति अस्नदा गर्ल। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। और आज के वीडियो में सबके साथ शेयर करने वाली हूं प्लम के विटामिन सी सीरम का रिव्यू। ये उनकी लेटेस्ट लॉन्च है और जिस दिन ये लॉन्च हुआ था उसी दिन मैंने इस सीरम को ऑर्डर कर लिया था और मुझे लगता है कि दो दिन के अंदर अंदर सुपर डुपर क्विक डिलीवरी थी, ये सीरम मुझे मिल गया था और उसी दिन से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं तो इसको यूज करने का मेरा 20th डे है। यस, तो मुझे 20 दिन हो चुके हैं, मतलब 28 टाइम्स मैंने इसको यूज कर लिया है एंड आई एम रेडी टू शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू ऑल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो यूजफुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा तो लाइक जरूर करिएगा, उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए हैं तो इस तरीके के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर बिहाइंड द सीन्स एंड अदर शॉर्ट प्रोडक्ट रिव्यूज। तो सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको इस विटामिन सी सीरम की प्राइस। तो ये 20 ml की बॉटल आती है 550 रुपीस की एंड मैंने जब इसको ऑर्डर किया था तो कोई लॉन्च ऑफर चल रहा था तो मुझे लगता है कि मुझे 5 या 10% का कुछ ऑफ भी मिला था, कुछ कूपन कोड भी अप्लाई हुआ था तो 500 के आसपास ये मुझे मिल गया था। इसकी बड़ी बॉटल भी आती है बट बिकॉज मुझे ये मतलब मैं पहली बार ले रही थी तो मैंने ये छोटा वाला ऑर्डर किया ट्राई करने के। और मैंने इसको प्लम की वेबसाइट से ही ऑर्डर किया था बट अब ये नाइका वगैरह पे भी अवेलेबल है तो इसके जितने भी ऑनलाइन परचेज लिंक है अदर वेबसाइट्स के प्लम के वो सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। पैकेजिंग की बात करूं तो सीरम की जो बॉटल वो आती है इस तरीके का आउटर बॉक्स में, आप सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है और साथ ही साथ में लीफलेट भी मिल जाता है तो कैसे यूज करना है कैसे नहीं यूज करना है सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंड जो सीरम है वो आता है इस तरीके की डार्क कलर की ग्लास बॉटल में विद दिस ड्रॉपर वाला एप्लीकेटर एंड पैकेजिंग मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि जो इस तरीके के सीरम होते हैं दे आर सपोज टू बी यू नो केप्ट इन डार्क और ओपेक ग्लास बॉटल जिससे इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बनी रहे। बात कर लूं इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें ये जो सीरम है ये है 15% विटामिन सी सीरम, तो इसमें विटामिन सी का 15% यूज किया गया है और विटामिन सी का जो फॉर्म इसमें यूज किया गया वो है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड। एंड अब तक वी ऑल नो कि विटामिन सी सीरम जो है वो हमारी यू नो स्किन टोन को इवन करने में हेल्प करता है, ब्लेमिशेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हेल्प करता है, स्किन इलास्टिसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ ही साथ में स्किन को एक ओवरऑल ग्लो भी देता है। बट मुझे लगता है कि 15% ऑफ अ विटामिन सी सीरम इज अ बिट टू मच फॉर अ बिगिनर। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूं कि आप थोड़ा माइल्ड वेरिएंट के लिए जाइए, 5% मे बी 10%। इसमें जापानीज मैंडरिन का भी यूज किया गया जो कि विटामिन सी की एफिकेसी को बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ में इसमें काकड़ू प्लम का भी यूज किया गया जो कि विटामिन सी का एक फ्रूट सोर्स है, काफी ज्यादा रिच होता है विटामिन सी में, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और बता दूं कि इसमें क्या क्या नहीं है तो इस विटामिन सी सीरम में कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है, कोई भी इसेंशियल ऑयल का यूज नहीं किया गया है, साथ ही साथ में इसमें कोई भी पैराबिन नहीं है, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल नहीं है, SLS नहीं है, DEA PABA नहीं है और कोई भी एनिमल डिराइव इंग्रेडिएंट्स नहीं है। अगर मैं इस सीरम की कंसिस्टेंसी की बात करूं तो ये काफी रनी है, एग्जैक्टली वाटर लाइक, बट इसकी मतलब जो टेक्सचर है कह लीजिए वो एग्जैक्टली वाटर लाइक नहीं है, हल्का सा, बहुत ही हल्का सा स्टिकी है, मतलब जो आप इसको अपने फेस पे लगाओगे तो बहुत ही हल्का सा स्टिकी लगता है बट कोई प्रॉब्लम नहीं होती लगाने, मतलब बहुत ही इजिली स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। मैं यूजुअली इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स मेरे फेस पे अप्लाई करती हूँ एंड बहुत ही आराम से अब्सॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं लगता है कि कुछ लगाया हुआ है स्किन पे या स्किन को ये मॉइस्चराइज वगैरह भी नहीं करता। अभी बात करूं अगर मैं अपने अब तक के एक्सपीरियंस की तो ड्यू टू प्रेगनेंसी मुझे स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हार्मोनल एक्ने हो रहे थे एंड उसकी वजह से काफी सारे मार्क्स भी रह गए थे, ऑल दो आई वॉज यूजिंग अदर प्रोडक्ट बट जब मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था तब भी मुझे एक्ने पिंपल के मार्क्स थे। एंड मैं इस सीरम को सिर्फ और सिर्फ मेरे मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन में ही यूज करी थी, आप इसको मॉर्निंग में नाइट में दोनों टाइम यूज कर सकते हो बट मैं इसको सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में ही यूज करी थी क्योंकि मैं नाइट टाइम में नायसिनामाइड सीरम यूज करी थी और इन्होंने मेंशन किया है कि इस सीरम को मतलब विटामिन सी सीरम को यू आर नॉट सपोज टू कंबाइन विद नायसिनामाइड, इसलिए मैं इसे मॉर्निंग में यूज करती हूँ, नायसिनामाइड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज करती हूँ। आप चाहो तो आप मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम इसको आराम से यूज कर सकते हो। ये मैंने जो आपको लीफलेट दिखाई थी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किन किन अदर एक्टिव्स के साथ इसको आप यूज कर सकते हो, किन किन अदर एक्टिव्स के साथ आप यूज नहीं कर सकते हो, तो बहुत ही ईजी हो जाता है आपका स्किन केयर रूटीन बनाना। तो मैं इसको मॉर्निंग में यूज कर रही थी एंड फॉलोड बाय माय मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली अगर आप मॉर्निंग में कोई इस टाइप का एक्टिव आपके स्किन पे यूज कर रहे हो।
तो जब मैंने इसको पहली बार अप्लाई किया था तो मुझे बहुत ही हल्की सी स्लाइट सी टिंगलिंग सेंसेशन महसूस हुई थी एंड बट वो एक दो मिनट बाद सबसाइड हो गई थी एंड फर्स्ट टाइम यूज के बाद वो टिंगलिंग सेंसेशन मुझे कभी भी महसूस नहीं हुई थी। तो मुझे मतलब स्किन पे इसकी वजह से कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं हुए। और अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसने काफी जल्दी रिजल्ट्स दिखाने स्टार्ट किए हैं। अभी सिर्फ 20 डेज हुए एंड आई कैन सी मतलब जो डिफरेंस है मेरे एक्ने पिंपल के मार्क्स में वो मैं नोटिस कर पा रही हूँ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि 4 to 6 weeks लगता है। ऑब्वियसली आप कोई भी इस टाइप का सीरम यूज कर रहे हो तो एक्ने पिंपल के मार्क्स को फेड करने में अच्छी तरीके से 4 to 6 weeks का टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे मार्क्स कंप्लीटली चले गए बट यस मैं डिफरेंस जरूर नोटिस कर पा रही हूँ। तो डेफिनेटली इसने मेरे एक्ने पिंपल के मार्क्स पे काम किया है। सो या फाइनली मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम प्रिटी इम्प्रेस विद दिस सीरम। इसने बहुत ही क्विक रिजल्ट्स दिखाए हैं एंड 15% विटामिन सी है तो अच्छी एफिकेसी भी है इसकी। इन्होंने स्पेशली मेंशन किया कि ये जो सीरम है ये हाइपर सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है, तो जिनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है हाइपर सेंसिटिव है वो इस सीरम से दूर रहे। साथ ही साथ में कोई भी आपकी स्किन टाइप हो प्लीज पैच टेस्ट पहले करिए, डायरेक्टली आपके फेस पे मत अप्लाई करिए, आपके नेक वगैरह पे या जॉ लाइन पे अप्लाई करके देखिए और उसके बाद ही आप अप्लाई करिए। एंड अगर आप बिगिनर हैं तो मैं ये वाला विटामिन सी सीरम सजेस्ट नहीं करूंगी, आप थोड़ा सा माइल्ड विटामिन सी के लिए जाइए। जब आपकी स्किन का टॉलरेंस लेवल बढ़ जाए तो आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग विटामिन सी सीरम्स के लिए जा सकते हो। बट इस सीरम को मैं मेरी तरफ से थम्स अप दूंगी क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है। क्योंकि ऐसे आप मार्केट में जाओ तो जो अच्छे विटामिन सी सीरम होते हैं वो थोड़े महंगे ही आते हैं, बट मुझे लगता है कि ये एफिशिएंट भी है एंड अफोर्डेबल भी है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम प्लम की वेबसाइट पे साथ ही साथ नाइका अमेजोन पे सेल भी चलती रहती है तो आसानी से 500 रुपीज के अंदर भी मिल जाएगा। सो ये था मेरा रिव्यू प्लम के विटामिन सी सीरम के लिए। अगर आप ये सीरम यूज करो और आपका क्या एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आई लव टू रीड योर कमेंट्स और अदर व्यूअर्स की भी हेल्प होती है आपके कमेंट्स से, तो कमेंट जरूर करेगा कि इस प्रोडक्ट के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है और किस प्रोडक्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा है जरूर लाइक करेगा, उनके साथ जरूर शेयर करेगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। और चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके के ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड चीयर।